हेलो माय डियर टॉरस। सो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आगे आने वाला जो मतलब आपका कल से ही है वो है 10 दिसंबर से लेकर 30 दिसंबर के बीच में आपके पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में एंड हेल्थ में क्या गुड न्यूज़, ब्लेसिंग्स, सरप्राइजेस, चेंजेस एंड ट्रांसफॉर्मेशन आपको देखने को मिलेंगे और क्या अप्स एंड डाउन से गुजरना पड़ सकता है, किस चीज़ से आपको बच के रहने की ज़रूरत है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, सब मैं आपको बताऊंगी। तो जल्दी से पॉजिटिव हो जाइए, लाइक एंड सब्सक्राइब करके फैमिली मेंबर बन जाइए और पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल एंड इंस्टा आईडी के थ्रू। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा और दुनिया के किसी भी कोने में हो, किसी भी टॉपिक पे अपनी पर्सनल रीडिंग आप सभी लोग बुक कर सकते हैं। अभी एक चीज़ यहाँ पे और मैं बता दूँ कि आप लोगों का ग्रेटेस्ट डिस्काउंट ऑन हो चुका है, क्रिसमस ऑफर। ठीक है, जो भी टॉपिक पे रीडिंग लोगे आपको डिस्काउंट मिलेगा ही मिलेगा, तो जल्दी से बुकिंग कीजिए आप सभी लोग। ठीक है, यहाँ पे कुछ और भी कार्ड्स मैं ले लेती हूँ आप सभी के लिए, तो बिल्कुल पॉजिटिव रहिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी टीम वर्क करने वाले हो, टीम वर्क के लिए आप आगे बढ़ रहे हैं। अगर टीम वर्क इस 10 से लेकर 30 के बीच में करते हैं तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। कोई ऐसा इंसान है जो कि आपको वापस से अपने लाइफ में पाना चाह रहा हो, उनके साथ ऐसा लग रहा है कि आपकी कनेक्शन फिर से बनने वाली है। ठीक है, ओके, दैट्स ग्रेट, वाओ, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी आई है, काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई आपके सीक्रेट एडमायरर है या कोई ऐसा इंसान जो आपको काफ़ी ज़्यादा स्टॉक कर रहा हो, या फिर आपके वो पर्सन जिसके साथ आप सेपरेट हो चुके हैं और वो इंसान आपको बहुत ही ज़्यादा लाइक मिस कर रहे हो, वॉन्ट यू बैक, ये कहना चाहते हैं कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, मेरे लाइफ में वापस से चली आओ या फिर चले आओ। तो ये बात सबसे पहले क्लियर होता है कि कोई ऐसा इंसान जिसको आप खुद वापस से अपने लाइफ में चाहते हो, ठीक है, वो इंसान वापस से आपके लाइफ में आ रहा है। साथ साथ कोई ऐसा भी इंसान हो सकता है जो आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा हो और आपको वापस से अपने लाइफ में पाना चाह रहा हो, और हो सकता है आपने उनको ब्लॉक किया है, हो सकता है वो आपको ब्लॉक किया है, जो भी है अब चीज़ें ठीक हो रही हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि चीज़ें सच में बहुत ज़्यादा ठीक हो जाएंगी। और कोई ऐसा इंसान जो आपको टाइम नहीं दे पा रहा था और उसका टाइम चाहते थे, ठीक है, अब वो बिज़ी जो रहते थे ना, फ्री होकर आपको मैसेज कांटेक्ट करेंगे। वैसे मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई आपका सीक्रेट एडमायरर है, ठीक है, कभी आप पे गुस्सा होता है, कभी आपको पसंद करता है। बात यहाँ पे ये है कि वो आपको अभी स्टॉक कर रहा है कि आप अपने लाइफ में कर क्या रहे हो। जब वो आपको किसी और के साथ नोटिस करता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है, ठीक है, और जब वो आपको देखता है अकेले तो उसको लगता है कि अब तो मेरा बिल्कुल पाथ क्लियर है। तो ऐसा भी कोई इंसान आपको आ सकता है, उसकी बातें थोड़ी बहुत आपको डरा सकती है, ऑनलाइन हो सकता है वो आपसे बात करे, तो थोड़ा आपको अवेयर रहना है, क्लेवर रहना है, ठीक है। और यहाँ पे कुछ अफर्मेशन कीजिए, जैसे कि आई एम वर्दी ऑफ लव एंड हैप्पीनेस, क्योंकि आपका इस 10 से लेकर 30 के बीच में कोई भी प्रॉब्लम ना हो, इसलिए मैं कुछ अफर्मेशन करा रही हूँ। आई एम वर्दी ऑफ लव एंड हैप्पीनेस, एवरी डे माई सेल्फ कॉन्फिडेंस ग्रोज। आपको अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस पे काफ़ी ध्यान देना है इस 10 और 30 के बीच में, क्योंकि सेल्फ कॉन्फिडेंस आपको बहुत आगे लेकर जाएगा। नहीं रहेगा सेल्फ कॉन्फिडेंस तो लो भी आ सकते हो। इसीलिए वैसे कनेक्शन की एनर्जी है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बीच आप बहुत सारे लोगों से कनेक्ट होने वाले हैं। टीम वर्क आपके लिए या कोलैबोरेशन आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, आप कर भी रहे हो और दूसरों को भी अलाउ कर रहे हैं, ठीक है, कि वो अपने टैलेंट को शेयर करें आपके साथ, अपने स्किल को शेयर करें। आप भी अपने टैलेंट और अपने स्किल को लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं, तो कोई ऐसे बिजनेस में आ रहे हो जिसमें कि लोग आपको आगे लेकर जा रहे हो, लोग आपको दबा या गिरा नहीं रहे, क्योंकि जब आपकी ग्रोथ होगी तो कहीं ना कहीं उसकी भी ग्रोथ होगी। तो ऐसे कोई बिजनेस में आ रहे हो। उसके बाद यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि करियर एंड बिजनेस ग्रो करने वाला है फर्दर। आगे आने वाले टाइम में आपका बिजनेस अगर है और अगर नहीं कर रहे हो तो कर लीजिए, क्योंकि बहुत ग्रोथ है। अपने टैलेंट और स्किल के थ्रू आपको लगता है कि कोई बिजनेस मैं कर सकती हूँ, कर सकता हूँ, तो कीजिए। यू मे बी गेटिंग टू इमोशनल एट द मोमेंट, अभी आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो सकते हैं, ठीक है, 10 से लेकर 30 के बीच में। करियर के मामले में भी आप बहुत इमोशनल हो सकते हैं, ठीक है, तो इसीलिए इमोशंस पे थोड़ा कंट्रोल रखना है, ये चीज़ कहना चाहते हैं। आपको स्ट्रांग रहना होगा और स्टैंड लेना होगा अपने लिए, ओके। तो यहाँ पे वैसे तो अगर बात की जाए क्या आ रहा है आपकी लाइफ में, तो अबंडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी आप अट्रैक्ट कर रहे हैं। लिख सकते हो, आई अट्रैक्ट अबंडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी इनटू माय लाइफ, आई एम इन द राइट प्लेस एट द राइट टाइम, ठीक है, मैं सही जगह पे हूँ, सही प्लेस पे हूँ और सही समय पे हूँ। वेल, यहाँ पे एक दो इन्फॉर्मेशन मैं और बताऊँगी कि कैसा रहेगा आपका ओवरऑल 10 से लेकर 30 दिसंबर। प्लीज़ गॉड गिव मी क्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूवर्स, कैसा रहेगा 10 से लेकर 30 दिसंबर।
ओके, फॉरगिवनेस एंड अंडरस्टैंडिंग, मतलब जिस जिस के साथ रिश्ता है, रिलेशन है, वर्क प्लेस है, जो कुछ भी है, आपसे कुछ गलती हुई हो, आपको माफ़ किया जा रहा है, ठीक है, सामने वाले ने कोई गलती की है, आप उसको माफ़ करके कि नई शुरुआत कर रहे हो, रिश्ता हो सकता है, बॉस हो सकते हैं, कुछ भी है, वो चीज़ ठीक हो रहा है, और बहुत ही ज़्यादा अपने आप से आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ रही है, लोगों के साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो रही है, तो क्रिसमस ऑफर का फ़ायदा ज़रूर उठाएं। ग्रेटेस्ट डिस्काउंट आपका चल रहा है, किसी भी टॉपिक पे रीडिंग ले सकते हैं, दुनिया के किसी भी कोने में हो तो भी रीडिंग ले सकते हो, ठीक है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा, सो कॉन्टैक्ट कर लेना। बाय बाय, टेक केयर।